नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले चुनावी दंगल को फतह करने के लिए तमाम दलों ने सियासी गुणाखान शुरू कर दिया है और सभी दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी राज्य में महासंपर्क अभियान का आगाज कर दिया है। बीजेपी के कई केंद्रीय नेताओं के धुआंधार दौरों की शुरुआत होने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 15 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं और इन सबके बीच आप और कांग्रेस भी राज्य के तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने अब जनता से संपर्क करने के लिए महासंपर्क अभियान का आगाज कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उत्तराखंड में पार्टी के महासंपर्क अभियान की शुरुआत की। इसके जरिए बीजेपी 1,00,000 कार्यकर्ता अभियान से जोड़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता घर घर तक जाकर बीजेपी का प्रचार करेंगे। इस अभियान के तहत लोगों से संपर्क साधा जाएगा। ये अभियान 20 नवंबर तक चलेगा। इन्हीं चुनावी तैयारियों के बीच उत्तराखंड की चुनावी सियासत को गरमाने के लिए बीजेपी के कई केंद्रीय नेता 11 नवंबर से धुआंधार दौरे की शुरुआत करने जा रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 नवंबर को 2 दिनों के दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। नड्डा कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा रुद्रपुर में प्रवास कर सकते हैं। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रवास और जनसभाओं के कार्यक्रम भी लगभग तय हो रहे हैं, जिसका जल्द ही औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस बीजेपी की इन तैयारियों पर तंज कस रही है। उनका भी 2 दिन के कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर होंगे। इसी प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 15-16 में कार्यक्रम प्रस्तावित है, वो कार्यक्रम कुमाऊं में हम लोग करेंगे। अब सभी कार्यक्रम हमारे जनसभा यानी एक पब्लिक मीटिंग बड़ी होगी, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हों, चाहे चुनाव प्रभारी के हों और चाहे हमारे मंत्रियों के हों, मुख्यमंत्री जी के हों, प्रदेश के किसी नेता के हों, मुख्यमंत्री तक जा सके। अगले 3 महीने में तमाम चुनाव के रैलियां होंगी और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सरकार का दबाव बनाकर, प्रशासन का दबाव बनाकर हमें राजनीतिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करें। हम उनके राजनीतिक रूप से प्रभावित करने की मंशा को जनता सफल नहीं होने देगी। वहीं सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष ने भी अपनी बाहें चढ़ा दी हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बुधवार को लालकुआं से काठगोदाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग की दुर्दशा के खिलाफ मौन उपवास रखकर धरना दिया। इसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर उनके कार्यक्रमों को बाधित करने का आरोप लगाते हुए सांकेतिक उपवास तो किया ही, सीधे तौर पर बीजेपी को निशाने पर भी लिया। वहीं आम आदमी पार्टी भी राज्य के 21 साल पूरे होने पर कांग्रेस बीजेपी से 21 सवाल पूछ रही है। ये जो NH की दुर्दशा कर रखी है, ये कब का बन करके तैयार हो जाना चाहिए था? इतनी आपराधिक स्तर की उपेक्षा बरेली, हल्द्वानी, काठगोदाम हाईवे की हो सकती है, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और सारी दुनिया उत्तराखंड में इसी रास्ते से प्रवेश करती है, नैनीताल प्रवेश करती है। क्या अंदाज हमारे विषय में लगता होगा, सड़कों के विषय में लगता होगा? वर्तमान सरकार को उसकी कुछ भी शर्म नहीं। मुझे लगता है कि हमारे शहीदों ने जो शहीद दिया था, जिस आशाओं के साथ ने दिया था, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। आप देखिए, हमारी राजधानी का कोई डिसीजन नहीं हुआ है और हमारे कोई पलायन रोकने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनी है और हमारी भूमि संबंधी कानून कोई कुछ नहीं बना पड़ा है और बिजली पानी भी कहीं पहाड़ों में अभी तक भी नहीं है और पलायन भी नहीं रुक पा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत बहुत खराब हो रही। कुल मिलाकर चुनावी दंगल को फतह करने के लिए सभी राजनीतिक दल एकाएक तैयारियों में जुट गए हैं। साथ ही विपक्ष भी सत्ता पक्ष को घेर कर जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगा है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता किसके सिर पर ताज सजाती है और किसे हार का स्वाद चखाती है। लेकिन इतना तय है कि मुकाबला दिलचस्प होगा। देहरादून से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सागर बिष्ट के साथ
सुभाष गौड़ की रिपोर्ट। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हरिद्वार की विधानसभा ज्वालापुर के गांव मानुबांस में एक दिवसीय भव्य रवि किसान महोत्सव लोकार्पण में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सुबोध उनियाल, कृषि मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, कैबिनेट मंत्री, स्थानीय विधायक सहित कई बीजेपी विधायक और बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे। हरिद्वार पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भारी पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही आपको बता दें कि किसान मेले में बीजेपी नेताओं ने आने वाले विधानसभा चुनाव के टिकट आवंटन को देखते हुए अपने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय प्रगतिशील किसानों और विकलांगों को भी सम्मानित किया। खटीमा में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खालसा पंथ के प्रथम गुरु गुरु नानक देव की प्रभात फेरी में प्रतिभाग किया। खटीमा गुरुद्वारा पहुंचकर शीशा नवाया। उन्होंने राज्य की सुख समृद्धि, शांति, खुशहाली के साथ ही देवीय आपदाओं से राज्य की मुक्ति के लिए अरदास की। गुरुद्वार कमेटी की तरफ से मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप। साथ ही आपको बता दें प्रभात फेरी में प्रतिभाग पुष्कर सिंह धामी ने किया। भविष्य और जिस प्रकार से आज हमारे यहाँ पर एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुल रहा है, हमारे यहाँ पर टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन बन रही है, जमरानी बात परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है, ऑल वेदर रोडों पर काम हो रहा है, भारतमाला सतला रोडों पर काम होता है, रेलवे का काम हो या चाहे हवाई कनेक्टिविटी की बात हो, हर क्षेत्र में चाहे वन रैंक वन पेंशन की बात हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने उत्तराखंड के लोगों के लिए एक विशेष रूप से उन्होंने इस क्षेत्र को अपने पूरे उसमें लिया है और लगातार योजनाएं देने का काम किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिन भर हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां सबसे पहले वो हरिद्वार के गेंडी खाता क्षेत्र में गोपाष्टमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गौरसण के क्षेत्र में उनकी सरकार बहुत काम कर रही है और ये गौ रक्षाशाला भी गौ माता की रक्षा और पालन कर रही है। साथ ही आपको बता दें, जैसा कि उन्हें पता चला है कि ऐसे में उनके आने वाली सड़क बहुत खराब है, इसको जल्द ही ठीक करने का आदेश दिया गया है। साथ ही गंगा के बहाव के चलते गौरक्षकशाला की जमीन को भी भारी क्षति हुई है, जिसके लिए जल्द ही तट बनाया जाएगा। आने के लिए एक सड़क जो काफ़ी ख़राब है, हमने कहा है कि हम उसकी सड़क का निर्माण जल्दी करवाएंगे। साथ में यहाँ पर गंगा जी के किनारे गौशाला की जमीन काफ़ी बह गई है, वहाँ पर तटबंध बनाए जाएंगे और साथ में जो हमारी एम्बुलेंस और इत्यादि कई सारी यहाँ की जो डिमांड्स है जमीन को संबंधित लेकर, हम हर क्षेत्र में क्योंकि इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है गौ माता के संरक्षण के लिए, धर्मशाला ये हमारी गौशालाएँ काम कर रही हैं, इसमें बहुत बड़े हमारे संत समाज का बड़ा योगदान है। तो मैं निश्चित रूप से हम सब इसके संवर्धन के लिए, इसके संरक्षण के लिए हमारी सरकार काम करेगी, कोई मैंने घोषणा नहीं। मोदी सीएम साहब, आपने तिवारी जी को याद किया, आपने तिवारी जी को याद किया, कांग्रेस भूल गई तिवारी जी को आपने ये काम। देखिए, तिवारी जी ने बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड के लिए किया है, देश के लिए किया है, उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आने वाले विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने 40% टिकट की मांग की है। इसके लिए कांग्रेस महिला विंग की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने केंद्रीय हाईकमान को पत्र लिखकर अवगत भी करा दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान किया है। उसी के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस में भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर मांग उठने लगी है। कांग्रेस महिला विंग की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने बताया कि उत्तराखंड का निर्माण महिलाओं के आंदोलन से हुआ है, यहां महिलाओं को हर स्तर पर सम्मान दिया जाता है। बहुत हमारी महिलाएं हैं, बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ईमानदारी से काम करने वाली हमारी बहनें हैं। और एक मीटिंग जब चुनाव 2017 के बाद मैंने देखा था, जब हमारे शीर्ष नेतृत्व यहीं पर राजीव भवन में मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व ने खुल के ये बात कही कि चुनाव में जहां पर भी वे प्रचार करने गए तो उन्होंने देखा कि जो हमारी महिलाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हमारी पार्टी की कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की इलेक्शन में जिताने की। किन्हीं कारणों से हम
सत्ता में नहीं आ पाए, हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन उसके बावजूद लगातार हमारी बहनें बहुत ही कर्मठता से, बहुत ही मजबूती से पार्टी के लिए भी कार्य कर रही हैं, जनता के लिए भी कार्य कर रही हैं, और हमें उम्मीद है कि पार्टी हमें हमारा शीर्ष नेतृत्व निराश नहीं। उत्तराखंड की 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भी अपना दम दिखाएगी। जल्द ही समाजवादी पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेगी। ये जानकारी ऋषिकेश स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की जनता बीजेपी कांग्रेस से त्रस्त है, इसीलिए जनता को तीसरे विकल्प की जरूरत है जो समाजवादी पार्टी से बेहतर नहीं हो सकता। विकास के नाम पर सपा उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अब समाजवादी पार्टी भी अपना दम दिखाती हुई नजर आएगी। 2022 में विधानसभा का चुनाव उत्तराखंड का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यहाँ जनता के साथ भारी धोखा हुआ है, पलायन रुका नहीं है, रोजगार मिला नहीं है, अर्थव्यवस्था चौपट है, दूर दराज चिकित्सा का कोई इंतजाम नहीं हो पाया, लोग बहुत निराश हैं भाजपा के शासन से। इसलिए समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। वहीं उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख का भले ही अभी ऐलान ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी ने जनता को रिझाने के लिए घर घर बीजेपी, हर घर बीजेपी कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद्र अग्रवाल ने मीरा नगर बूथ संख्या 47 पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यकर्ता पूरे विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष का दावा है कि पहले दिन कार्यक्रम में जिस प्रकार से जनता का समर्थन उन्हें मिला है, उससे कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फिर से बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिलने जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से पार्टी ने निर्णय लिया कि हर घर भाजपा, घर घर भाजपा, उस अभियान के आज हमने यहाँ अपने विधानसभा क्षेत्र में मीरानगर के इस बूथ पे शुरुआत की है। अब आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में एक बूथ के अंदर है हमारे कार्यकर्ता, चाहे वो महिला हों, पुरुष हों या अन्य हमारे तमाम लोग आज उपस्थित हैं। और मैं स्वयं इसमें घर घर जा रहा हूँ, दुकान दुकान जा रहा हूँ, और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो मंत्र हमारे माननीय मोदी जी ने दिया, माननीय धामी जी ने दिया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, उस मंत्र के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और जो रिस्पांस मैं जनता का देख रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि जनता ने स्वीकार कर लिया है कि आने वाले टाइम पे समय फिर भाजपा का है। और चूँकि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने, अभी आपको पता है कि 5 नवंबर को केदारनाथ में कहा था कि ये जो दशक होगा ये 100% हमारे उत्तराखंड का होगा और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, इसलिए सभी को मैं बहुत बधाई दे रहा हूं। क्योंकि आज छठ पूजा भी है, छठ पूजा के इस पावन अवसर पर हमने कार्यक्रम शुरू किया है। हरिद्वार में एक होटल में कांग्रेस नेता जैनेन्द्र रमोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर दर्ज हुए 3 मुकदमों का जिक्र किया और कहा कि लगातार उनकी बढ़ रही राजनीतिक छवि से बौखलाकर सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि नाजायज दबाव बना रहे हैं, जिससे वो घबराने वाले नहीं हैं। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि 2 दिन पहले उनके खिलाफ ऋषिकेश कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसे दर्ज कराने के लिए अल्पसंख्यक आयोग ने भी सिफारिश की है। उनका कहना है कि जिस मामले में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, मामले को कोर्ट 2 बार खारिज कर चुकी है। ऐसे में उन पर मुकदमा दर्ज किया जाना न्याय संगत नहीं है, वो जल्द ही अपना पक्ष अल्पसंख्यक आयोग के सामने रखेंगे। तो ऐसे में ऋषिकेश का पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि अपने ऊपर दर्ज 3 मुकदमों का जिक्र किया गया। कांग्रेस नेता जैनेन्द्र रमोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने ऊपर जो 3 मुकदमे दर्ज हैं उसमें उन्होंने उनका जिक्र किया, कहा कि सत्ता पक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सत्ता के जनप्रतिनिधियों से नहीं घबराने वाले हैं, डटकर मुकाबला करेंगे। भाजपा और भाजपा के नेता और विशेष रूप से
विशेष रूप से क्षेत्रीय विधायक को भी दोषी मानता हूँ, क्योंकि देखो मैं इस प्रकरण में नहीं बोलता, मुझे नहीं पता इस प्रकरण में उनका कितना बड़ा हाथ है, लेकिन इससे पूर्व के जो प्रकरण हुए, कोविड का प्रकरण हुआ, उससे पूर्व खंभों पर प्रचार सामग्री का प्रकरण हुआ, उन सब में केवल और केवल हम कांग्रेस के लोगों को टारगेट किया गया, जयंत नमूला को टारगेट किया गया, तो ये अपने आप में विडंबना है कि जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा जा रहा है, इनकी राजनीतिक जमीन जो खिसक रही है उसके भय से ये इस तरह की कृत्य करा रहे हैं। और सबसे दुखद विषय ये है, आप जरूर, आप अगर हम कुछ गलत करते हैं जरूर आप उसमें हमारे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जरूर उसमें हमारे खिलाफ बोलिए, लेकिन आप ऋषिकेश का माहौल खराब मत कीजिए। महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और यमकेश्वर विधायक ऋतु खंचूरी ने जिले के दौरे के दौरान महिला मोर्चा की बैठक आयोजित कर केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने आने वाले चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें, कोपेश्वर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2022 को लेकर अपनी सरकार की तरफ से महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण को लेकर चलाए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। तो ऐसे में चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए आपको बताते हैं, ऋतु खंजूरी की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष का ये जनपद दौरा रहा। उन्होंने कहा कि अब विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है और हर किसी को अब सतर्क हो जाना चाहिए। दरअसल कोपेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें वो पहुंची थी, जहां पर उन्होंने विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने वाले हैं उसको लेकर अपनी सरकार की तरफ से महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण को लेकर चलाए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। नैनीताल की ठंडी सड़क में गोलजीव मंदिर के पास झील में एक युवक का शव तैरता मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि झील किनारे बेंच पर एक बैग और सामान रखा मिला था। पूछताछ की गई तो बैग और सामान आगरा के मनोरा निवासी का बताया गया, जिसके बाद युवक के झील में गिरने की आशंका जताई गई और पुलिस और SDRF की टीम ने झील में सर्च ऑपरेशन चलाया और युवक का शव बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो नैनीताल का ये मामला है, आपको बता दें नैनीताल में गोलजीव मंदिर है, जहां पर उसके पास झील है, झील के पास ये झील में एक आगरा के युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हल्द्वानी में आने वाले चुनावों को लेकर कांग्रेस की विजय शंखनाद संकल्प रैली निकाली गई। वहीं इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौतियार, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, यशपाल आर्या सहित कई नेता मौजूद रहे। इस रैली के जरिए कांग्रेस एक मंच पर आकर एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रही है और इसे विजय शंखनाद से कांग्रेस पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल भी फूकेगी। तो ऐसे में तस्वीरें देख सकते हैं, आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से ये बड़ी विजय शंखनाद रैली, संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहे। रुद्रप्रयाग के अंतर्गत कई गांवों को जोड़ने वाले लिंक मोटरमार्ग जानलेवा बने हुए हैं। स्थिति यह है कि मोटरमार्गों पर आवाजाही करते समय कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। इसके अलावा एक साथ में एक ही वाहन मोटरमार्ग पर आवाजाही कर रहे हैं। बरसाती सीजन में मोटरमार्ग पर जगह जगह आए मलबे को अभी तक साफ नहीं किया गया, जिस वजह से खतरा ज्यादा बढ़ गया है। कुछ साल पहले ही मोटरमार्ग पर किए गए डामर का कुछ पता नहीं चला है। डामर जगह जगह पूरी तरह से उखड़ चुका है और मोटरमार्ग बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुका है। तो तस्वीरें देख सकते हैं ये आप रुद्रप्रयाग की, जहां पर मलबे में को अभी तक नहीं साफ किया गया है, जिस वजह से जाम जैसी स्थिति तो बनी ही हुई है। साथ ही साथ लोगों के निकलने के लिए रास्ता भी नहीं बचा, जिससे लोगों को तमाम परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बरसात जो कि अक्टूबर के मध्य तक चला, उसमें मलबा काफ़ी आया था और तात्कालिकता के आधार पर हमने उनको खोल दिया था, लेकिन वहाँ स्थानीय समस्या ये है कि जब हम मलबा डालना चाहते हैं तो उसमें विरोध होता है। तो तत्समय हमारे पास जो अपरिहार्य थी और सड़क को
आवागमन सुलभ करने की थी, जो हमने कर दिया है। और हमने वहाँ के लोकल लोगों से बात भी की है, हम ये चाहते हैं कि वो हमें ऐसी कोई जगह बताए जहाँ पे हम मलबा डंप कर पाएँ, उससे मलबा निस्तारण में सुविधा हो जाएगी। और जैसे ही हमें कोई ऐसा विकल्प मिलता है, हम उसको तत्काल करेंगे। ये जब बरसात समाप्त होने के आज 2 महीने पूरे हो गए हैं, और हमने बार बार शासन प्रशासन को भी कहा कि हमारा जैसे खेड़ा खाल, कमोल्डी, मोलखा खाल मोटर मार्ग हो गया, चाहे फिर कांडेई, टैठी और पाटा वाला मोटर मार्ग, जगह जगह पुश्ते टूट रखे हैं, उसमें जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, आने जाने में बहुत परेशानियां हो रही हैं। हमने कई बार शासन से और अधिकारियों से बात की, लेकिन अधिकारी मुझे लगता है कि ये केवल ताल मोल की भाषा में, गोलमाल भाषा में बोल रहे कि 15 दिन के अंतर्गत खड्डे भर जाएंगे। लक्सर में रेलवे अंडरपास पर एक बार फिर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से 2 मासूमों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मासूम छठ पूजा के बाद लौटते समय लक्सर रेलवे स्टेशन ट्रैक क्रॉस कर रहे थे, इसी दौरान ट्रेन आने से दोनों मासूम ट्रेन की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, वहां के स्थानीय लोग लगातार अंडरपास बनाने की मांग कर रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक अंडरपास नहीं बना, जिसके चलते पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैं कई बार यहां धरने भी हुए हैं, कई बार प्रदर्शन भी हुए हैं, कई बार पैसे की बता रहे थे, पैसे भी आए हैं, पर अब तक ना तो कांग्रेस की सरकार में ना भाजपा की सरकार में इस अंडरपास का निर्माण का कार्य शुरू हो पाया है। ये यहाँ के नगर की मुख्य समस्या, सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ अंडरपास बहुत ज़रूरी है। आज भी सुबह मालूम हुआ कि 10 साल के बच्चे की एक जान चली गई, उसकी बहन भी हायर सेंटर में रेफर है। इसमें हमारी तो यही मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें अभी घोषणा की है, इसमें जल्द से जल्द यहाँ के लक्सर की सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में यही है कि इसके यहाँ लक्सर में अंडरपास बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। पूरे प्रदेश में उगते हुए सूर्य को अर्घ दान देने के बाद धूमधाम से पूर्वांचल का छठ महापर्व संपन्न हुआ। वहीं अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचकर बुधवार की शाम और बृहस्पतिवार की सुबह खटीमा के कई छठ घाटों के दौरे पर रहे, और उसके बाद मेला घाट और 22 पुल छठ घाट पर भी पहुंचकर व्रती श्रद्धालु महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं उन्होंने दी, और परिवार, समाज और देश की खुशहाली, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ के लिए छठ मैया से और सूर्य देवता से कामना की। आपको बताते चले कि 36 घंटे के लगातार निर्जल व्रत रखने के बाद प्रति श्रद्धालु महिलाओं ने बृहस्पतिवार की सुबह छठ घाट पर विधिवत पूजा अर्चना करके और सूर्य को अर्घ दान देकर व्रत को तोड़ा और पर्व का समापन किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।